दोस्तों, एटीएफई टेक में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ आप लोग रेडमी नोट 5 प्रो में आप लोग डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करें और इसमें बूट लोडर अनलॉक करने के लिए MI अकाउंट को कैसे ऐड करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोग को मोबाइल के स्क्रीन पर लेके आया हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को पहले सेटिंग्स पर क्लिक करना है, उसका बाद यहाँ पे ऊपर में वही अबाउट फोन जो है इस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका मैं मॉडल दिखा देती हूँ। ये देखिए Redmi Note 5 Pro, इसका MIUI वर्जन जो है 11.0.5 है और इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है वो है 9। तो दोस्तों, आप लोग इसका डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए आप लोग को MIUI वर्जन जो है इस पर 4-5 बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए यू आर नाउ डेवलपर, तो आप लोग यहाँ से बैक जाना है। बैक जाके दोस्तों आप लोग थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों एडिशनल सेटिंग जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों डेवलपर ऑप्शन जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, इसका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया है। आप लोग दोस्तों अगर इसका बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हैं तो ये 3 सेटिंग आप लोग को करना ही है। आप लोग को OEM अनलॉकिंग जो है इसको इनेबल कर दीजिए पहले। उसका बाद दोस्तों आप लोग नीचे जाइए, यहाँ पे USB डेविंग जो है इसको भी इनेबल कर दीजिए। इनेबल कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को MI अनलॉकिंग स्टेटस जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे MI ऐड अकाउंट एंड डिवाइस, इसको दोस्तों ऐड करने के लिए आप अगर नए हैं तो आपको पहले MI अकाउंट से लॉगिन होना पड़ेगा। MI अकाउंट है सेटिंग पे, वहाँ पे जाके आप लॉगिन हो जाइए, उसका बाद आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लॉगिन हूँ, इसीलिए मैं इसको ऐड करता हूँ। आप लोग इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी समय लगता है ऐड होने में, ऐड हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से Redmi Note 5 Pro का डेवलपर ऑप्शन इनेबल करके आप लोग MI अकाउंट को ऐड कर सकते हैं।